190 मिलियन पाउंड रेफरेंस वानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म की चार्जशीट सामने आ गई। अप्रैल 2019 में अलकादर यूनिवर्सिटी का कोई वजूद नहीं था। चार्जशीट के मुताबिक बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड का सुराग लगा लिया। इस मुतलिक डिटेल्स हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे से, हमारे साथ मौजूद हैं जमान मुगल से। जमान, कहिएगा क्या मजीद डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अलकादर वाला मामला 190 मिलियन पाउंड का जो है वो इस वक्त एहतसाब अदालत में जेर समाअत है और इसकी दस्तर रोज चार्ज भी फ्रेम किया गया था और चार्ज फ्रेम होने के बाद वो चार्जशीट एबीएन को जो है मौसूल हुई और चार्जशीट के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ जो डिटेल सामने आई है उसमें 2019 में अलकादर यूनिवर्सिटी का कोई वजूद नहीं था। तहम बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने 190 मिलियन पाउंड का सुराग लगाया है जिसके मुताबिक 190 मिलियन पाउंड में पाकिस्तान मुल्तकिन होने से असासे जो है रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर पर इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने प्रॉपर्टी टाइकून से खुफिया मुआहदा किया था। जबकि दूसरी जानब यह भी चार्जशीट में कहा गया है कि बानी पीटीआई ने रूल ऑफ बिजनेस 1973 की खिलाफवर्जी करते हुए जो है वो उसको असर रसूख के जरिए जो है वो मंजूर भी करवाया था कैबिनेट से। शहजाद अकबर के ऊपर ये इल्जाम है कि 6 दिसंबर 2019 को नेशनल क्राइम एजेंसी के राजदारी डीड पर भी उन्होंने दस्तखत किए थे और ये जो तफसीलात हैं ये भी इनको मौसूल हो गई हैं। जी जमान मुगल, ये चार्जशीट के हवाले से सुराग तो लगा लिया गया है, सामने आ गई है, इस हवाले से कोई स्टेटमेंट सामने आई है पीटीआई अरकान की? जी बिल्कुल, बानी पीटीआई ने गुज़श्ता रोज ही इसके सेहत जुर्म से इनकार किया था और वो रोजे अव्वल से यही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एक ट्रस्ट का मामला था, इसमें किसी किस्म की कोई मैला फाड़ी नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ करने के लिए ये तमाम तर कार्रवाइयां की जा रही है। उन्होंने यहां तक कहा था कि ये मुकदमा तो दूर की बात, दीगर जो मुकदमा मेरे खिलाफ वो छुपी है और सिर्फ सिर्फ मुझे पाबंदे सलासर रख के जो है ये कार्रवाइयां करना चाहते हैं ताकि मेरी आवाज को दबाया जा सके और मेरी आवाज को दबाने का मतलब यह है कि पाकिस्तानियों की आवाज को दबाया जाए। जी जमान, ये भी कहिएगा साथ ही साथ कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड का सुराग तो लगाया है और जिस तरह कहा जा रहा है कि जो चार्जशीट में सब कुछ सामने आ रहा है, कल बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर अली जफर की जानिब से जब मीडिया टॉक की जा रही थी तो उन्होंने ये बात कही थी कि ये केसेस अब अदालतों में मौजूद हैं। क्या इस हवाले से कोई स्टेटमेंट सामने आई है, उनकी कोई रिलीफ मिल सकता है, कोई इस तरह सूरत हाल जा सकती है? जी बिल्कुल, पीटीआई के जो वकला है और बानी पीटीआई के खसूसी जो इंतकामी कार्रवाई के लिए बनाया गया है, इस केस में कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे ये बड़ी अदालतों में मामलात जाएंगे वहां से उनको